पिछले 24 घंटे में उड़ीसा में अनेक जगह हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। 3 जगह पर हैवी रेनफॉल भी दर्ज की गई है। सबसे अधिक वर्षा बांकी जो कि कटक में पड़ता है 85 मिलीमीटर दर्ज की गई है। पालघर मंडी का हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 34.7 डिग्री सेल्सियस गया, भुवनेश्वर का 31.6 और कटक का 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात करते हैं स्वाभाविक वर्षा की जो सीजनल रेनफॉल की, सीजनल रेनफॉल 1 जून से लेकर 17 अगस्त तक अभी तक 680.5 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो कि सामान्य से अभी भी 10% नीचे चल रही है। 11 डिस्ट्रिक्ट अभी भी डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं। स्नोफॉल सिस्टम की बात करें तो जो कल वाला लो प्रेशर एरिया था अभी साउथ बांग्लादेश और नेबरहुड के ऊपर लाई कर रहा है। सुबह 8:30 IST ऑब्जर्वेशन के हिसाब से यह जो सिस्टम है समुद्र सतह से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक इसकी सर्कुलेशन बनी हुई है और यह सिस्टम हाइट के हिसाब से दक्षिण पश्चिम की दिशा में झुका हुआ है। यह सिस्टम फर्दर आगे मूव करेगा धीरे धीरे नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड और एक वेलमा लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना बांग्लादेश के और एडजॉइनिंग निगेटिव वेस्ट बंगाल रीजन के ऊपर 19 तारीख तक। उसके बाद यह सिस्टम फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड मूव करेगा जो कि क्रॉस करेगा निगेटिव वेस्ट बंगाल झारखंड और एडजॉइनिंग बिहार और उत्तर प्रदेश एरिया को और एडजॉइनिंग मध्य प्रदेश एरिया को उसके बाद 3 से 4 दिन तक। दूसरा जो सिस्टम है मानसून ट्रफ जो कि बीकानेर वनस्थली शिवपुरी सिद्धि रांची से होती हुई इस सेंटर ऑफ लो प्रेशर एरिया तक जा रही है। तीसरा जो ट्रफ है वेस्ट असम से नॉर्थ उड़ीसा तक जो कि समुद्र सतह से 9.8 किलोमीटर और 12.6 किलोमीटर के बीच में बनी हुई है। तो इन दो सिस्टम की प्रभाव की वजह से आज भी उड़ीसा में अनेक स्थान पर हल्की से मध्यम वर्षा बनी रहने की संभावना है। इसके अलावा मयूरभंज क्योंझर गंजम गजपति रायगढ़ कंधमाल कलांडी बुलांगी नवापड़ा इन सब डिस्ट्रिक्ट में येलो वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से। 18 तारीख को सुंदरगढ़ जांचगढ़ संबलपुर देवगढ़ क्योंझर मयूरभंज में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल होने की संभावना जिससे येलो वार्निंग दी गई है। 19 तारीख को क्योंझर सुंदरगढ़ देवगढ़ जांचगढ़ संबलपुर बारगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। 20th को भी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सिस्टम आगे मूव कर जाएगा, इसलिए वेस्ट ओडिशा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है।